हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा गोवा का सेकंड ब्लॉग। फर्स्ट ब्लॉग में तो हम जस्ट गोवा पहुँचे थे, तो बस फिर हम निकल चुके हैं दूसरे दिन साउथ गोवा के लिए। और ये था हमारा गोवा का हाईवे, और ये हमारी स्कूटी है, एक ब्लू है और एक येलो है। तो बस फिर हम पहुँच गए थे, ये प्यारा सा बीच है, इसका नाम है पैलोलिम बीच। बहुत ही प्यारा बीच था, बहुत ही क्लीन था। तो बस हम यहाँ आ गए थे, और यहाँ पे आप कई सारी राइड्स भी ले सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह बहुत सारे थे। तो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिया, एक्चुअली हमारा कहीं और वाटर स्पोर्ट करने का प्लान था। ये इधर से कुछ ऐसा दिखता है हमारा पैलोलिम बीच। और फिर उसके बाद फिर हम निकल गए थे कोलवा बीच के लिए, और रास्ते में ये प्यारा सा चर्च मिला जहाँ पर हमने फ़ोटो शोटो क्लिक की। और ये आ गया हमारा कोलवा बीच, ये भी बहुत ही अच्छा बीच है। एक्चुअली यहाँ का जब सनसेट होता है बहुत ही प्यारा व्यू आता है। तो बस फिर यहाँ पे हम शाम तक थे, और ये है हमारा शाम का व्यू। यहाँ पे सनसेट हो रहा है जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। आ रहे और फिर ये हमारे हस्बैंड लोग हैं जो बनाना राइड्स कर रहे हैं। हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इसलिए मैंने बिल्कुल मना कर दिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये दोनों फ्रेंड एक साथ निकल चुके हैं बनाना राइड पे है। इनको जाते हुए भी देखकर हमें इतना ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन ये भाई बहुत दूर तक निकल गए थे, लेके 2 घंटे बाद वापस आए हैं। तो बस इस प्यारे से व्यू में ये अपना बनाना राइड का मज़ा लिए। ये इतना प्यारा सा व्यू आ रहा है सनसेट का। ये सारी पिक्चर्स, ये सब हैं कोलवा बीच के सनसेट का। बहुत ही प्यारा लगता है ये इवनिंग में। साउथ गोवा में अगर आप जब भी जाना है तो इन दोनों बीचेस पर ज़रूर जाना, ये दोनों बीचेस बहुत ही प्यारे हैं। तो बस काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई, जैसे ही ये बनाना राइड से वापस आए हम वापस आ गए अपना नॉर्थ गोवा, और आकर यहाँ पर डिनर किया और सो गए। ये है हमारा थर्ड डे का, ये हम पहुँच गए हैं चपोरा फोर्ट। चपोरा फोर्ट से चपोरा बीच कुछ इस तरह से दिखता है, वो भी प्यारा ही लग रहा था। तो बस फिर हमने इधर थोड़ा बहुत पिक्चर वगैरह ली। खैर यहाँ ज़्यादा मज़ा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इस ऊपर था, ये चढ़ना पड़ा था हमें, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो बस फिर उसके पास में ही एक बीच है बहुत ही क्लीन सा, तो वहाँ पर आ गए थे हम। और बस फिर यहाँ से फिर हम सेकंड मीटिंग में आ गए थे लंच वंच करके अंजुना बीच। अंजुना बीच बहुत ही प्यारा बीच है, कोई भी वाटर स्पोर्ट करना हो, कुछ भी करना, बहुत ही प्यारा बीच है। तो बस फिर हम यहाँ आ गए थे सेकंड मीटिंग में, और यहाँ पर हमने की थी ये बोटिंग की थी, और बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी डर भी लग रहा था। बस फिर उसके पास में ही एक रिज़ॉर्ट था बहुत ही प्यारा सा, हम यहाँ पर बैठ के पूरे टाइम एकदम अंजुना बीच के जस्ट एकदम मतलब सी साइड पे ही था ये।
तो बस हम पूरे टाइम यहाँ पर लगभग 2 से 3 घंटे बैठे रहे, खाए पिए, एंजॉय किए, और फिर शाम को हम 5 बजे निकल चुके थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत तेज़ धूप होती है। तो हम 5 बजे यहाँ से निकले थे अगोडा फोर्ट के लिए। तो ये बस हम निकल गए हैं और जा रहे हैं अगोडा फोर्ट की तरफ। और ये आ गया हमारा अगोडा फोर्ट। ये फोर्ट काफ़ी अच्छा था, अच्छा लगा यहाँ पे। यहाँ पे ये जो सी था वो भी काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर हमने फ़ोटो शोटो क्लिक की, एंजॉय किया। और फिर जैसे ही शाम होने को ही हम वहाँ से भी निकल पड़े, क्योंकि हमारे होटल से काफ़ी दूर था। तो हम आ गए थे, फिर मैकडी गए, वहाँ पर हमने खाया पिया, और रात में फिर हम पास के बीचेस पे आ गए। ये है बागा बीच हमारा। तो बस फिर काफ़ी रात हो गई थी और हम अपना होटल वापस आ गए। गोवा में कितनी भी रात हो जाती है, रात भर यहाँ पे काफ़ी चहल पहल रहता है, तो काफ़ी अच्छा सा लगता है। बस यही था 3rd डे की वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगी, जो कि 4th डे का होगा, और हम गोवा से केरला जाएंगे बाई ट्रेन। ओके, बाय।